नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पेशल। मैं हूं आपके साथ प्रीति। यूं तो उत्तराखंड में धार्मिक और पर्यटन के लिहाज से कई स्थल है, लेकिन इस राज्य में कई स्थल ऐसे भी हैं जो अपने आप में कई रहस्य समेटे हैं। हम बात कर रहे हैं बद्रीनाथ धाम से 8 किलोमीटर दूर वसुधरा झरने की। ये झरना करीब 425 फीट ऊपर से गिरता है। इस झरने से जुड़ी मान्यता है कि झरने से गिरता पानी की एक बूंद आपकी आत्मा को पुण्य आत्मा या पापी आत्मा करार दे सकती है। ये भी कहा जाता है कि जिस व्यक्ति पर झरने का पानी पड़ता है वह हमेशा के लिए निरोगी हो जाता है। उत्तराखंड राज्य के इन खूबसूरत वादियों में यूं तो कई झरने का मौजूद हैं, जहां हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक घूमने आते हैं, लेकिन बद्रीनाथ से 8 किलोमीटर दूर माना गांव के समीप स्थित वसुधारा झरने की कई मान्यताएं हैं। यही वजह है कि जो श्रद्धालु बाबा बद्रीनाथ के दर्शन के लिए आते हैं वो वसुधारा झरना जरूर आते हैं। यही नहीं, वसुधारा झरना की मान्यता ऐसी भी है कि जो लोगों के जहन में वहाँ जाने को लेकर उत्सुकता करती है। उत्तराखंड के उच्च हिमालय क्षेत्र में स्थित बद्रीनाथ धाम से करीब 3 किलोमीटर है। बद्रीनाथ मंदिर के तीर्थ पुरोहित ऋषि प्रसाद बताते हैं कि वसुधारा झरने की कई महत्व है। यहाँ पर असंख्य धाराएं हैं। शास्त्रों के मुताबिक वसुधारा की धारा किसी को दिखाई देती है और किसी को नहीं। जिस इंसान पर धारा की बूंदें पड़ती हैं वो भगवान बद्रीनाथ के चरण में चला जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मनुष्य अपने पूर्व जन्म के संस्कारों और कर्मों को लेकर पैदा होते हैं, उसी के अनुसार वर्तमान समय में व्यक्ति को कर्म मिलता है। जिसने जैसा कर्म किया होता है उसे वैसा फल मिलता है, और इसी का प्रतिष्ठ उदाहरण है कि वसुधारा का जल किसी किसी पर पड़ना। वही माना गांव के कहते हैं कि वसुधारा झरने का वर्णन भगवद गीता में भी है। मूर्ति के पति देव धर्म ने वसुधारा यानी यहीं पर तपस्या की थी। इसके साथ ही यहाँ अष्ट वसुओं ने भी तपस्या की थी। अष्ट वसुओं द्वारा की गई तपस्या के पुण्य से ही पानी की धारा निकली, जिसे धारा को वसुधारा कहते हैं। साथ ही बताया गया कि वसुधारा का महत्व है कि वसुधारा का जल हर किसी पर नहीं पड़ता। जिस पर वसुधारा का जल पड़ता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है।